दोस्तों नमस्कार, स्वागत है देश की पुकार चैनल में। पहले ये मौर्य चैनल के नाम से था, लेकिन चैनल का नाम बदल करके देश की पुकार चैनल का नाम कर दिया गया है। दोस्तों बहुत से SC ST OBC के लोगों के जहन में एक बात आती है, आखिर 85% हम लोग हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों की सरकार नहीं बन पा रही है, सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं में हमारी भागीदारी नहीं है, सरकार में हमारी भागीदारी नहीं है। तो ऐसा क्यों है, कभी सोचा है? जो लोग इस बात को सोचते हैं उनके बारे में एक बात हम बताना चाहेंगे। एक अमेरिकी पत्रकार ने एक भारतीय ब्राह्मण पर ब्राह्मण का इंटरव्यू लिया, उसे पूछा, पत्रकार ने पूछा कि संसार में जहाँ भी किसी का शोषण हुआ है, वही शोषितों द्वारा एक क्रांति हुई है। आप भारत में पिछड़ों दलित के साथ पिछले 5000 सालों से अत्याचार करते आ रहे हैं, जिसकी संख्या है 85%, फिर भी वे लोग शोषण के विरोध में क्रांति नहीं करते हैं, आवाज़ नहीं उठाते हैं, ऐसा क्यों है? तो जानते हो उस ब्राह्मण ने क्या कहा? वे लोग बच्चा कर सकते हैं, लेकिन अपने बच्चे का नाम नहीं रख सकते हैं। वे लोग मकान बना सकते हैं, लेकिन हमारे बिना घर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। वे लोग शादी कर सकते हैं, लेकिन हमारे बिना तारीख नहीं निकाल सकते। वे लोग कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन हमारे बिना शुभ मुहूर्त नहीं निकाल सकते। जो लोग अपने जिंदगी के कोई फैसले स्वयं नहीं ले सकते, जिन लोगों को अच्छे बुरे का ज्ञान ना हो, जिन लोगों को आज भी अपने माँ बाप से ज़्यादा देवी देवताओं पर विश्वास हो, जो लोग कुत्ते बिल्ली पेड़ पौधे विधवा सधवा को अशुभ मानते हों, जो लोग शिक्षा से दूर भागते हों, मजदूरी को किस्मत मानते हों, जो लोग बीमारी को देवता का प्रकोप मानते हों, वो लोग क्या क्रांति करेंगे? वो सत्ता पे क्या जाएंगे? उनकी भागीदारी कहाँ होगी? तो क्या ये सच है दोस्तों? हम आपको ये जानकारी देने का विचार आया कि ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए। आखिर हम लोग गुलाम क्यों हैं? आखिर हम लोग सत्ता में हमारी भागीदारी क्यों नहीं है? और हमारे लोग परेशान क्यों हैं? इन सब बातों का यही जवाब है दोस्तों। क्या ये सच है? अगर सच है तो कमेंट के माध्यम से कुछ बताएं, और अगर कुछ जानकारी मेरी अच्छी लगी है तो हम चाहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।